जिसे बनाया राख से तूने है भगवान, छीन ने चला वो तुझसे तेरा ही नाम मकान। ये शर्मनाक हरकत आखिर किसे क्या साबित करने के लिए की गई थी? सूरत के डांबोली विस्तार बालाजी चौकड़ी के पास करणी माता का मंदिर तकरीबन 30 साल पुराना था। लोगों की आस्था का प्रतीक और देवी समाज के लोगों के लिए ये पूजनीय स्थल था। 13 तारीख को अचानक से इस मंदिर में आग लगी देख वहाँ के लोगों में आक्रोश और दुख देखने को मिला। बता दें कि जब आग लगाई गई तो मंदिर के साथ साथ उसमें रखी भगवान की कुछ तस्वीरें, दान पेटी में रखे 2 से 3 लाख रुपए भी जलकर खाक हो गए, जिससे वहां के लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। उनके मुताबिक ये आग दोपहर को पेट्रोल छिड़क कर लगाई गई है। इस बात से देवी पूजक समाज में काफी गुस्सा दिखाई दिया और उन्होंने कलेक्टर कचहरी तक मोर्चा निकाला। इसे पूरे मामले पर नारंग भाई जड़ाव भाई कोहली का कहना है कि उनका घर मंदिर के पास ही है और उनकी लड़ाई धर्म के लिए है। वो चाहते हैं कि गुनहगारों को उनकी इस हरकत के लिए सजा मिले। उनके मुताबिक ये काम वहाँ के जमीन के मालिक ने किया है। लोग को दर्शन आवे से आस्था रखे से माता ये हाउ काम करे से अरे आऊ धर्मस्थान ऊपर कोई पण पेट्रोल सरकारी नाखे तो हमें आने ऊपर हमारो समाज બહોળો થઈને અમે આંદોલન કરવા માંગીએ છીએ અને અમને નિર્ણય નહીં મળે તો પણ અમે કલેક્ટર સુધી અને ગાંધીનગર સુધી અમે રેલી કાઢવાના ઈસ્યુ છીએ મારો સમાજ, પણ અમે આજથી એવું માનવી છીએ કે અહીંયા ધર્મસ્થાન રહે અને કાયમિક માટે રહે, અમારા લોકો દર્શન આવે એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે સરકાર શ્રીને, એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આની ઉપર કોઈ કાર્યવાહી હારી કરે। इस घटना के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और फिलहाल बिल्डर हिरासत में है। मंदिर, मस्जिद या कोई भी पूजनीय स्थल वहाँ के लोगों की संस्कृति और हिम्मत की नींव होता है। अगर ये काम जमीन मालिक ने जमीन के लिए भी किया है तो भी ये गलत है। जमीन को वापस पाने की कानून का कुछ प्रोसीजर होता है जो बिना कानून को हाथ में लिए भी किया जा सकता है। हम मानते हैं कि जमीन पर जमीन मालिक का हक होता है, लेकिन कानूनन हाथ में लेना ना ही किसी का हक था और ना ही हो सकता है। भारत एक ऐसा देश है जहां ऐसी घटनाएं बहुत आसानी से रायट्स करवा सकती है। इस घटना की कानूनन जांच होनी बहुत जरूरी है ताकि आगे चल के ऐसी घटना कम्युनल राइट्स की शक्ल ना ले ले। फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी, इसीलिए पुलिस की पूरी जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा कि इस हरकत के पीछे आरोपी की क्या मानसिकता रही होगी। जिसे बनाया राख से तूने है भगवान, छीन ने चला वो तुझसे तेरा ही नाम मकान। नमस्कार, मारू नाम सुरेश भाई है। अहियाँ अमारी टाणी डिग्री मंदिर आयू है, पहले 30 થી 35 वर्ष मंदिर है। अहियाँ अमारा देवी पूजक समाज सेवा भाव करे है। अहियाँ 8 અક્ટુ માણસો જે પેટ્રોલ અને હથિયારો લઈને અહીંયા આવ્યા સવારે અગરબત્તી ચાલતી હતી, શક્તો હતા જે પેટ્રોલ છાંટીને જે આગ લગાવવામાં આવી, એ જમીનના માલિકો હતા। શું નામ છે તેમનું? એમનું નામ છે રવજીભાઈ। તેમની સાથે કોણ કોણ હતું? તેમની સાથે એમને હવે માથાભારી માણસો હતા, 8-10 માણસો હતા। અહીંયા 3-4 જણા દીવાબત્તી કરતા હતા અને એ લોકો પાસે હથિયારો અને પેટ્રોલો જોઈ ત્યાં લોકો ભાગી ગયા। અમારા ના હાજરીમાં હોવાથી એ લોકો અમારે કોઈ માતાજીનું મંદિર, અમારા રખડદાદાનું મંદિર હતું એને સળગાવી નાખ્યું।